जब एक वीर जवान की शहादत की खबर उसके गांव तक पहुंचती है तो वहां का माहौल कुछ और ही होता है। रात के अंधेरे में जब असिस्टेंट कमांडेंट विश्वदेव का पार्थिव शरीर उनके गांव कहरा पहुंचा तो पूरा गांव भारत माता की जय के नारों से गूंज उठा। ये एक ऐसा दृश्य था जिसने हर दिल को झकझोर कर रख दिया। गांव के हर एक व्यक्ति की आंखों में आंसू थे, लेकिन उन आंसुओं में गर्व भी था। हर कोई अपने इस वीर सपूत को आखिरी बार देखने को बेताब था। विश्वदेव, जो अपने पीछे 12 साल की बेटी और 5 साल के बेटे को छोड़ गए हैं, उन्होंने देश की रक्षा करते हुए अपनी जान कुर्बान कर दी। गुजरात के भुज में भारत पाक सीमा के पास एक नाले के दुर्गम इलाके में गश्त के दौरान ये हादसा हुआ। दलदल में फंसे विश्वदेव और उनके साथी जवान डिहाइड्रेशन का शिकार हो गए। उनके बलिदान की कहानी सुनकर कोई भी गर्व से सिर ऊंचा कर लेगा, लेकिन दिल में एक दर्द भी जरूर महसूस करेगा। बीएसएफ के डीआईजी इशाहुल, सहरसा के पुलिस अधीक्षक हिमांशु और विधायक डॉक्टर आलोक रंजन समेत कई अधिकारी उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए मौजूद थे। डॉक्टर आलोक रंजन ने कहा, सहरसा के लाल विश्वदेव की शहादत पर हम सबको गर्व है। उन्होंने अपनी ड्यूटी निभाते हुए भारत माँ की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी। विश्वदेव का चयन 2004 में बीएसएफ में सब इंस्पेक्टर के पद पर हुआ था। उनकी मेहनत और समर्पण ने उन्हें असिस्टेंट कमांडेंट के पद तक पहुंचाया। छोटे भाई की शहादत पर परिवार को गर्व है, लेकिन दुख भी उतना ही गहरा है। क्या कहेंगे, मेरा भाई ऑन ड्यूटी गुजरात में शहीद हुए और वैसे तो बहुत दुखद बात है, लेकिन फिर भी मेरे लिए गर्व की बात है जो देश के लिए शहीद। बीएसएफ के डीआईजी इशाहुल ने कहा कि हमारे सहायक कमांडेंट विश्वदेव, ये तो बल्कि इससे ये तो मिनिमम हम कर सकते थे लोग, इससे कुछ इससे कम कुछ नहीं कर सकते थे। ये तो बहुत अच्छी बात है, ज्यादा हम विश्वभागेशाली हैं। इसको ध्यान रखते हुए जैसा आप चाहते हैं हम बिल्कुल आपके साथ आप मेरे होगा जो रीति रिवाज जो गुजरात के सीमा के पास पेट्रोलिंग कर रहे थे वीर गति को प्राप्त हो गए। हमें उनके शहादत पर गर्व है। विश्वदेव की शहादत हमें याद दिलाती है कि हमारे जवान किस तरह अपने कर्तव्यों को निभाते हुए अपनी जान की परवाह नहीं करते हैं। हमें उन पर गर्व है और उनकी शहादत को हमेशा याद रखा जाएगा। लोकल 18 के लिए सहरसा से मोहम्मद सरफराज की रिपोर्ट।